वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो पहला टॉपिक मैंने डिस्कस किया था सिलेबस के डिस्कशन में, दैट वाज अबाउट द पॉलिटी। पॉलिटी का पहला ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हुआ है, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिटी। सो जो मैंने पहला लेक्चर एक्सप्लेन किया था, आपको एनालाइज किया था, उस पर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिस्कस किया था। उस पर मैंने आपको ये वाला पार्ट देखो, आपके सिलेबस में है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये दिया गया है आपके सिलेबस में। सो व्हाट यू हैव टू स्टडी, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग द सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन में वही पढ़ना है आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे ये पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। देखिए, सपोज एक स्टेट को हम सिस्टम, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम इट्स अ वास्ट कंसेप्ट, आपको पीएचडी थोड़ी करनी है इसमें, यू हैव टू क्वालिफाई एन एग्जाम, थोड़ा अंडरस्टैंड करो पॉलिटिकल सिस्टम को। सिस्टम समझो, एक स्टेट को हम सिस्टम कहते हैं, एक कंट्री को हम सिस्टम कहते हैं, वहां जो गवर्नेंस है, द वे अ कंट्री इज बीइंग गवर्नड, जो वहां का पॉलिटिकल सेटअप है, दैट्स कॉल्ड द पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर कंट्री में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, दैट्स कॉल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैं चाइना की बात करता हूं, चाइना में डिक्टेटरशिप है। अगर आपको कहे कोई कहेगा कि चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, आप कहोगे कि वहां डिक्टेटरशिप है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स जो चाइना एक कंट्री है, दैट इज सिस्टम, वहां की जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, दैट्स अ डिक्टेटरशिप। सो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम डिक्टेटरशिप। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इट्स द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको पता है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे लोग जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, देखो आपका प्राइम मिनिस्टर आपका रिप्रेजेंटेटिव, आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आपका आपका पार्लियामेंट का मेंबर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का राज्य, वो सारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ लोग उनको इलेक्ट करते हैं, वहां सिलेक्ट, वहां डिक्टेटरशिप में वो वहां चलती है वो डिक्टेटरशिप, लाइक डायनास्टी रूल एटसेट्रा। सो इंडिया का जो सिस्टम है, इट्स अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूएसए भी डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन भी डेमोक्रेसी है, इटली भी डेमोक्रेसी है, लेकिन यूएसए में दैट्स नॉट द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट्स अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सो इंडिया का जो पॉलिटिकल सेटअप है, इट्स अ डेमोक्रेसी, इट्स पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड इट्स अ फेडरल, जो इसका स्ट्रक्चर है, दैट्स अ फेडरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, that is the parliamentary form of government, but that jahan wahan ka setup, that is a unitary setup, india ka federal hai. dekho federal and unitary mein kya farak hai, federal system wo system hota hai jahan pe union, that is a center, and jo states se unke darmiyan jo relationship hoti hai, unke jo powers hoti hai, wo constitution demark karte hai, states को भी कॉन्स्टिट्यूशनी पावर देती है, जो यूनियन है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशनी पावर देती है। वेयर इज यूनिटरी फॉर्म में क्या होता है, वहां जो यूनियन होता है, सेंटर होता है, वो ऑल पावरफुल होता है, वहां जो यूनिट्स होती है, वहां जो स्टेट्स जिनको हम कहते हैं, वो अपना पावर यूनियन से डिराइव करते, उनको पावर यूनियन देता है, जब चाहे लेगा, जब चाहे देगा। इंडिया में वो नहीं है। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशनशिप ये पढ़ोगे, आप वहां पर पढ़ोगे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंटरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, स्टेट में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। यहाँ पे यूनियन ही सिर्फ रूल बना सकती है, लॉज बना सकती है, यहाँ पे स्टेट्स ही सिर्फ लॉज बना सकती है। कंकरेंट में यूनियन भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल सेटअप में डिमार्क किया हुआ होता है पार्लियामेंट। हमारा जो पोलिटिकल सिस्टम है, इसमें क्या स्टडी करना है हमें, इसमें सबसे पहले पोलिटिकल सिस्टम में आपको यूनियन स्टडी करना है। यूनियन का स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट में क्या स्टडी करोगे, सबसे पहले प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या है, वीटो पावर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। प्रेसिडेंट को अगर निकालना हो, इम्पीच करना हो, तो कैसे करें,
ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको प्रेसिडेंट में पढ़ने, मैंने लक्ष्मीकांत की बुक बनाई जो आपको बताई थी, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड द प्रेसिडेंट वो आपको पढ़ने। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, नॉट इम्पोर्टेंट लेकिन पढ़ना, इसको देख लेना। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है। देखो अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, वहां जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है दैट इज अ प्रेसिडेंट, जैसे जियो बिडन का नाम हर जगह होता है। इंडिया में देखो, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का नाम होता है बिकॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो सबसे पावरफुल होता है दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर को आपको आपको इट्स अ मोस्ट एसेंशियल थिंग, यू हैव टू स्टडी इट। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को के साथ एक टीम होती है, उस टीम को हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो सारे मिनिस्टर्स ये होते हैं, वो ये 70-80 होते जिनको कोई पोर्टफोलियो मिला होता है। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं 10 से 15 तक, उनको हम कैबिनेट कहते हैं। लाइक आपका होम मिनिस्टर आता है, डिफेंस मिनिस्टर आता है, इकोनॉमी मिनिस्टर आता है, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आता है, उसको हम कहते हैं कैबिनेट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इनको या तो कोई छोटा सा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाता है या तो इनको सबऑर्डिनेट बनाया जाता है कैबिनेट का। उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर, या तो ये कैबिनेट के डिप्टीज होते या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के डिप्टी होते। उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ होगा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में आपको इसकी कंपोजिशन स्टडी करनी है, लोकसभा में कैसे इनको इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा पढ़ना है उनको कैसे इलेक्ट किया जाता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज सारा स्टडी करना है। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं, उसके बाद सेशंस ऑफ पार्लियामेंट पढ़ोगे, स्पीकर पढ़ोगे, डिप्टी स्पीकर पढ़ोगे, बिल्स ये पढ़ोगे, बजट पढ़ोगे, 112 आर्टिकल, यहाँ पे 74 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये सारा पार्ट वी में, पार्ट फिफ्थ में। उसके बाद जो टॉपिक है दैट्स अ पार्लियामेंट कमिटीज, थ्री इंपॉर्टेंट कमिटीज है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, एस्टिमेट्स कमिटी एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी। ये जो तीन कमिटीज है, वहां पे बहुत सारी कमिटीज दी है लेकिन आप सिर्फ ये तीन कमिटीज पढ़ोगे। उसके बाद आप जो टॉपिक पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट में आप पढ़ोगे कितने जजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में देयर आर 34 जजेस, एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जजेस। फिर देखना है हाउ दे आर बीइंग सिलेक्टेड, जो चीफ जस्टिस होता है उसको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है, जो बाकी जजेस होते हैं उनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड उसमें बाकी भी जजेस होते हैं। इसमें आप जज केस फर्स्ट, जज केस सेकंड पढ़ोगे। इसके बाद आप इसके पावर्स पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या पावर्स है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आप स्टडी करोगे जुडिशियल रिव्यू, आपने जब हमने आप दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब आपने जब हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, दैट स्टार्ट से फंडामेंटल जो या राइट्स है वो स्टार्ट होते 12 to 35, जो वहां पे 13 था, 13 या आर्टिकल, 13 आर्टिकल इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब होता है फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉ पार्लियामेंट बनाती है बट दैट्स इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट को पावर होता है कि वो स्ट्रक डाउन करती है उन लॉज को जो फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट हो, दैट इज 13 आर्टिकल आपको पढ़ना है। सो ये आपका आ गया यूनियन। यूनियन के बाद आप पढ़ोगे स्टेट्स का, बिकॉज मैंने पहले ही कहा था फेडरल सिस्टम है। जैसे आपने यहाँ पे प्रेसिडेंट पढ़ा, यहाँ पे गवर्नर है, मतलब जब आप ये पढ़ोगे ये समझने में आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आपने पढ़ा, उसके बाद आपने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, यहाँ पे आपका चीफ मिनिस्टर आता है, ये पार्ट 6 थे 153 to 167। यहाँ पे आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पढ़ा, यहाँ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यहाँ पे आपने पार्लियामेंट पढ़ा, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर है। लेकिन यहाँ देख लेना स्टेट लेजिस्लेचर में बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, बहुत सारी बाइकैमरल मीन्स वहां पे दो हाउस है, बहुत सारी यूनिकैमरल है। ये देख लेना कौन कौन किस किस स्टेट में बाइकैमरल है, किस स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद आप हाई कोर्ट ही ये पढ़ोगे, ठीक है ना। और ये पढ़ लेना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कौन सी स्टेट में हाई कोर्ट है जिसमें 2-3 स्टेट्स की ज्यूरिसडिक्शन आती है यूनियन टेरिटरी की, ये पढ़ लेना। ये हो गया आपका यूनियन, ये हो गया स्टेट्स। इसके बाद आप पढ़ोगे पॉलिटिकल सिस्टम में ही जो सेंटर और स्टेट के दरमियान रिलेशनशिप होता है, इसमें तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले आप पढ़ोगे सेंटर एंड स्टेट की रिलेशनशिप, इसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये पढ़ोगे, यूनियन लिस्ट जिसमें 98 कंपोनेंट्स है, स्टेट लिस्ट पढ़ोगे 59 कंपोनेंट्स,
एंड कंकरेंट लिस्ट 52 और पहले कितने थे, आज के दौर में इतने कंपोनेंट्स। फिर जो स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होती है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक द एमरजेंसी प्रोविजंस। एमरजेंसी में हमारे तीन इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स आती है। 352 दैट्स अ नेशनल एमरजेंसी। अगर कोई कंट्री हमारे कंट्री के साथ वार स्टार्ट करेगी तो नेशनल एमरजेंसी स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरा आता है स्टेट एमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। ये 356 आर्टिकल में है। इसमें अगर कोई स्टेट दैट्स नॉट वर्किंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देन देयर इज स्टेट एमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल। देन देयर इज अ फाइनेंशियल एमरजेंसी। अगर कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो जाए देन फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई जाती है। इतना सारा पढ़ना है आपको पॉलिटिकल सिस्टम में। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक आता है पंचायत राज। पंचायत राज में आप पढ़ोगे जो पंचायत राज सिस्टम इंडिया में ये कैसे, हाउ इट स्टार्ट्स। इसमें आप बहुत सारी ये पढ़ोगे कमिटीज, बलवंत राय कमिटी, मेहता कमिटी, अशोक मेहता कमिटी 57, जीवीके राव कमिटी 1985, सिंघवीज कमिटी 1986, उसके बाद फाइनली 73 ये अमेंडमेंट आता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट आईएक्स और एक पंचायत राज सिस्टम एस्टेब्लिश होता है हमारे कंट्री में। इसमें से ये सब यह पढ़ोगे। उसके बाद यू विल स्टडी अबाउट the constitutional and non-constitutional bodies. देखो constitutional bodies वो bodies होती है जिनको directly constitution ने बनाया हुआ होता है या आज के दौर में amendment करके उनकी existence सीधी constitution में होती है। उसमें पढ़ोगे election commission, UPSC, finance commission, GST, उसमें comptroller and auditor general of India, attorney general, ये last में advocate general। ये सारे टॉपिक्स आप देख लोगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आता है नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इंपॉर्टेंट पढ़ लेना सीबीआई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती है जिनको पार्लियामेंट बनाती है by exercising its powers, executive powers. उसके बाद आपका आता है governance and public policy. देखो governance and public policy पहले understand करो। public and policy, public it's वो policy है जो government frame करती है public के लिए, that's called the public policy. इसमें आप ये पढ़ोगे, देखो आपने बहुत सारे missions देखे, stand up, स्टार्टअप स्टार्ट हुए, स्टैंड अप, जितने भी मोदी साहब ने लास्ट वन ईयर के इम्पोर्टेंट देखना और उसके पीछे भी जितनी भी स्कीम्स, जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी मिशन्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए कश्मीर में भी और इंडिया में भी, यहाँ पे आपको वो सारे पढ़ने हैं। इसके बाद आपका और एक टॉपिक आता है दैट इज द राइट्स इशू। राइट्स इशू क्या होता है, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन बताया, पॉलिटिकल सिस्टम बताया, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी में आपको पढ़ना है वो सारी पॉलिसीज, वो सारे प्रोग्राम्स, वो सारे मिशन्स जो इंडिया गवर्नमेंट बना रहा है कंट्री में, जो बनाए लाइक आपका जितने भी स्टार्टअप स्टैंडअप, जितने भी वो सारे आप देख रहे, कोई कार्ड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और जितनी भी स्कीम्स है लोन की एटसेट्रा की, वो इसमें आप पढ़ लोगे। उसके बाद राइट्स इश्यूज। देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शन है, हमारे शेड्यूल कास्ट्स है, शेड्यूल ट्राइबल्स है, हमारे चिल्ड्रन डिसेबल्ड सेक्शन, वुमेन, उनके लिए कौन से नए कानून बनाए जा रहे, एक्ट्स आ रहे, कौन सी पॉलिसियां आ रही है, वो आप पढ़ोगे राइट्स इश्यू में। और आपका लास्ट टॉपिक रहता है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें आपको मैं एक नोट बना के दूंगा, आई विल मेक ए नोट एंड मैं उसको PDF बना के दूंगा विद इन 2 or 3 days, वो आप पढ़ लोगे। इसमें आपको पता है कि 5 अगस्त में क्या हुआ था कि यहाँ पे J&K को एक स्पेशल स्टेटस मिला था, हमारा 370 आर्टिकल था यहाँ, तो वो दैट वाज बीइंग उसको कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट करके
दैट वॉज बींग रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड उसके बाद यहाँ पे इसी एक्ट के तहत यहाँ पे दो यूटियां बनाई गई थी, एक फर्स्ट यूटी इज द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड यूटी इज द यूटी ऑफ लेह। जो यूटी पहले हमारी ये सारी एक स्टेट थी, अब ये दो यूटीज में ट्रांसफर हो गई। और पहले हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन होती थी, एक तो इंडिया की, दूसरा जे एन की अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे अपना एक फ्लैग हुआ करता था। वो सब उसमें ये अमेंडमेंट आई और उसको क्या कहते हैं एबॉलिश किया गया, और अब जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट से वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दैट्स द जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और आज के लिए और ये जो पॉलिटी में मैंने जितना भी बताया है ये सब आपको पढ़ना है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग द पॉलिटी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए क्या कौन कौन सा मसाला है आपका, कौन कौन से इश्यूज है आपके, आई विल ट्राई टू आंसर देम। एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट इशू जो मुझे आपको इस रिलेटेड बताना है, ये था ये दो टॉपिक्स थे, ये थे पॉलिटी के रिलेटेड। अब जो सेकंड टॉपिक आएगा दैट विल बी अबाउट द हिस्ट्री, हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक्स।